सब्सक्राइब कीजिए द स्मार्ट कुकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा के लड्डू, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मावा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम शक्कर, इसको हमने पीस लिया है, और आप इसकी जगह मार्केट का रेडीमेड बूरा भी ले सकते हैं। और सेम क्वांटिटी हमने यहाँ पर मावा लिया है, 300 ग्राम शक्कर, 300 ग्राम मावा, और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई हमने गरम कर ली है, अब हम इसमें डालेंगे मावा और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो मावा पिघल गया है, इसको हम गाढ़ा होने तक अच्छे से भूनेंगे। और अगर मावा ड्राई है तो इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, लगभग 1 टेबल स्पून घी डाल दीजिए आप इसमें अगर आपका मावा ड्राई है। अच्छे से चलाते हुए मावा को भूनना है। तो मावा हमारा भुन गया है, ये लाइट ब्राउन हो गया है, इसको बंद कर देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, एक थाली में निकाल लिया है, और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो मावा ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, और इसमें हम डाल देंगे शक्कर, शुगर पाउडर, इलायची पाउडर, और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो शक्कर की मात्रा कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें मसलना है, मिलाना है। तो अच्छे से इसको हाथों से इस तरह से इसको मिक्स करें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। तो मिक्सचर को हमने एक साथ कर लिया है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें से लड्डू बनाएंगे। इतना बड़ा लेना है हमें और इस तरह से दबा के और हमें लड्डू बनाना है। अच्छे से दबा दबा के इसको ये देखिए इस तरह से हमें सभी बॉल्स तैयार करनी है, सभी लड्डू बनाना है। तो ये देखिए लड्डू तैयार हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसान है। तो इजी, क्विक एंड टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।